यूपी के रामपुर से खबर आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में कब्जे के मामले में पुलिस ने आजम खान के 9 करीबियों पर चार्जशीट दाखिल की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन कब्जे को लेकर दर्ज 27 मुकदमों में सांसद आजम खान के 9 और करीबियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमों की विवेचना के दौरान पुलिस ने ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यों के नाम को भी इसमें शामिल कर लिया था। पुलिस ने इन सभी को धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया था। इन मुकदमों में सांसद आजम और उनके करीबी पूर्व सीओ आले हसन को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आजम खान और पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुकदमों की विवेचना के दौरान एसआईटी ने जौहर ट्रस्ट के मौजूदा पदाधिकारी और सदस्यों के नाम भी शामिल कर लिए हैं। इन सभी को पुलिस की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने इससे पहले 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उनमें सपा विधायक नसीर खान, आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजील फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान, दूसरे बेटे अदीब आजम खान, आजम खान की बहन निकहत अफलाक, सलीम कासिम, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और फसीह जैदी सीतापुर के नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने थाना कोतवाली में दर्ज नगर पालिका में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आजम खान सहित 4 लोगों के नाम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। रामपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज रामपुर पुलिस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जो किसानों की ज़मीनें ली गई थी उससे संबंधित मुकदमों में 27 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया है। ये आरोप पत्र जौहर विश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी लोग हैं उन 9 लोगों के खिलाफ आज माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती तंजीम फातिमा, श्री नसीर अहमद जो कि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, अब्दुल्ला आजम खां, उनके भाई अदीब आजम खां और कुछ अन्य लोग हैं। इस तरह से 9 लोगों के खिलाफ 27 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। एक मुकदमा जिसमें कोतवाली पुलिस ने भी आरोप पत्र प्रेषित किया है 4 लोगों के खिलाफ, उसमें उन्होंने नगर पालिका से कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करके प्रमाण पत्र कहीं प्रस्तुत किया था उस आधार पर कायम था, उसमें भी साक्ष्य के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस तरह से आज 28 मामलों में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।